हेलो दोस्तों, फूड कला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों मेरा नाम है पारुल और आप देख रहे हैं हमारे चैनल पर फूड कला की शादी मुबारक सीरीज। तो दोस्तों आजकल मेहंदी हो या हल्दी, भात हो या सगाई, हर एक फंक्शन में कुछ ना कुछ छोटे छोटे गिफ्ट्स देने का जो है बहुत ज़्यादा रिवाज चल गया है। बाजार से खरीदे तो ये गिफ्ट्स काफ़ी महंगे आते हैं, पर अगर मैं आपको इनको घर में ही बनाना सिखा दूँ तो आज की इस वीडियो में बहुत ही स्पेशल से चार बहुत ही छोटे छोटे लेकिन बहुत ही प्यारे से DIY मैं आपके लिए लेके आई हूँ। तो जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। रिंग बनाने के लिए हमें चाहिए 1 इंच के करीब का गोल गत्ता कटा हुआ, और साथ में मैंने यहाँ पे लिया है एक गोल स्टोन। आप यहाँ पर कोई बटन भी ले सकते हैं। अब हम इन दोनों चीज़ों को किसी भी सुंदर से कपड़े से कवर कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने जो है ये पटोला प्रिंट का कह लीजिए या जयपुरी प्रिंट का एक कपड़ा ले लिया है, और उससे हम इन दोनों चीज़ों को कवर कर देंगे। तो गोलाई वाली चीज़ों को कवर करने के लिए थोड़ा सा उसको कट करके करना चाहिए, तो वो सफाई से एकदम आपका हो जाता है। अब हम अपने इस छोटे से स्टोन को जो है अपने इस गत्ते पर इस तरीके से पेस्ट कर देंगे, और पेस्ट करने के बाद अब हम यहाँ पर करेंगे इसकी डेकोरेशन। तो डेकोरेशन के लिए यहाँ पर मैंने ली है डायमंड वाली चेन, और इसको हम इस तरीके से इसके चारों तरफ स्टिक करते रहेंगे। तो स्टिक करने के लिए यहाँ पर मैंने फेविबॉन्ड का यूज़ किया है, और लास्ट की थोड़ी सी एक रो को छोड़ देंगे, और उसके अलावा आपका जितना बड़ा गत्ता है उतने बड़े पर आप अपनी ये स्टोन की चेन जो है चिपका लीजिए। उसके बाद यहाँ पर हम लगा रहे हैं कुंदन, तो पूरा का पूरा जो बाहर वाला सर्कल है उसको कुंदन से कवर कर देंगे। तो देखिए, एक मैंने ये पिंक कलर में बनाया है और एक ग्रीन कलर में बनाया है। उसके बाद बिल्कुल गत्ते के साइज़ का काट लेंगे हम एक बुकरम का पीस, और उसको हम पीछे की तरफ लगा देंगे ताकि जो हमारी अनफिनिश्ड सी दिखाई दे रही है चीज़ वो ना दिखाई दे। अब यहाँ पर ये मैंने लिया है रिंग का जो बेस होता है, वो ये आपको मार्केट में मिल जाएगा आसानी से। और यहाँ पर इसको लगाने के बाद इसके बीच में हम छोटी सी एक बुकरम की पट्टी जो है लगा देंगे, जिससे कि ये आपका काफ़ी मजबूत हो जाएगा। आपको ये रिंग का जो बेस है ना मिले तो आप अपनी किसी पुरानी रिंग में से भी निकाल सकते हो। तो ये देखिए हमारी रिंग का जो है फाइनल लुक, ये बहुत ही सुंदर लगेगी जब आप अपने हल्दी या मेहंदी के किसी भी फंक्शन में इसको बनाकर जो है गेस्ट को देंगे, तो वो एकदम से बहुत खुश हो जाएंगे। अब हमने जो ये बनाया था बेस ग्रीन कलर का, इससे अब हम बनाएंगे की चेन। तो की चेन बनाने के लिए हमें चाहिए एक तो की चेन जो होता है वो, और साथ में हमने अपना जो पैच बनाया है वो चाहिए, और साथ में चाहिए कुछ हैंगिंग्स। तो यहाँ पर देखिए हम इस तरीके से हैंगिंग्स को नीचे लगा देंगे। मैंने इस की रिंग में काफ़ी सारी हैंगिंग्स लगाई हैं क्योंकि मुझे तो किसी पर्टिकुलर एक जने को गिफ्ट करना है, पर आप चाहें तो थोड़ी कम भी लगा सकते हैं, या फिर यहाँ पर आप टसल्स भी लगा सकते हैं अगर आपको थोड़ा और बजट फ्रेंडली चाहिए तो अपना की रिंग। उसके बाद अपने रिंग को आधे को हम इसके ऊपर चिपका देंगे और आधा ऊपर रखा रहने देंगे, थोड़ा लटकाने में ये सुंदर लगेगा इस तरीके से। और उसके बाद एक बुकरम का गोल पीस काटकर इस पर बहुत अच्छे तरीके से हमें चिपका देना है। आप यहाँ पर फेविकॉल का यूज़ करिएगा, मैंने जल्दबाजी की वजह से यहाँ पर ग्लू गन का यूज़ किया है। और ये हो गया हमारा की चेन एकदम से रेडी, तो एकदम बहुत ही खूबसूरत दिखाई देगा। और कोई घुंघरू वाली अगर हैंगिंग आपको मिल जाए तो वो इसमें लगा देंगे तो बस एकदम से चार चांदी लग जाएंगे। अगले आइडिया में हम बिंदी को डेकोरेट करके दे सकते हैं। बिंदी भी काफ़ी सारे फंक्शंस में हम देते हैं। तो यहाँ पर देखिए कोई भी बिंदी का पत्ता आप ले लीजिए, जो भी आप लाए हो बल्क में, और उसको आप इस तरीके से लेस से कवर कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो भी आपके पास बची हुई लेसेज हैं आपकी सारी की सारी काम में आ जाएंगी इस DIY में। तो ये देखिए हमने इस तरीके से इसके चारों कॉर्नर्स पे इस तरीके से ये लगा लेना है, और बीच में एक पट्टी लगा दी है हमने। अब यहाँ पर एक दो हम फ्लावर्स लगाएंगे, और हमारा जो है ये बिंदी का DIY और बिंदी का फेवर जो देना है हमें गिफ्ट में, वो एकदम से रेडी हो जाएगा, और ये काफ़ी खूबसूरत लगेगा, बहुत ही एस्थेटिक लगेगा आपका बिंदी का पत्ता इस तरीके से देने में। तो देखिए ये है हमारी बिंदी के जो गिफ्ट है उसका फाइनल लुक। आज का लास्ट बट नॉट लीस्ट वाला आइडिया है ये स्टील का कोई भी बॉक्स आप गिफ्ट में दे सकते हैं, जिसमें आप अपनी मिठाई लड्डू वगैरह भी दे सकते हैं। भात में भी चलते हैं, मेहंदी में भी चलते हैं, हल्दी में भी चलते हैं, तो आप घर में गीतों का प्रोग्राम होता है उसमें भी चलते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा गिफ्ट है स्टील का बॉक्स देने के हिसाब से, पर अगर हम इसको डेकोरेट करेंगे तो ये और भी खूबसूरत लगेगा। तो यहाँ पर मैंने ब्रोकेड का एक जो है पीस बचा हुआ था मेरे पास, वो मैंने ले लिया है रेड कलर का, और उसको हम अपनी डब्बी के ढक्कन पर इस तरीके से लगा लेंगे, और ऐसे ही हमें इसके नीचे वाली जो डब्बी है उस पर भी इसको लगाना है। तो यहाँ पर हमने देखिए इस तरीके से लगाना है कि जो उसका बंद करने वाला स्पेस है उसको हमें कवर नहीं करना है कपड़े से, बाकी हमने नीचे वाला हिस्सा कवर कर दिया और बाकी का पीछे लगा दिया इस तरीके से, और पीछे एक गोल कपड़े को कट करके इस तरीके से यहाँ पर चिपका देंगे। तो बेसिकली हमें जो बंद करने वाला हिस्सा है वहाँ पर बिल्कुल भी कोई कपड़ा या लेस
नहीं लगानी है, नहीं तो फिर आपको बंद करने में, खोलने में बहुत दिक्कत होगी इस बॉक्स को। ये देखिए हमने इस तरीके से लगाया है कि खुलने में बहुत ही इजी हो रहा है ये। अब हम इसको सुंदर बनाने के लिए इसको करेंगे डेकोरेट। तो यहाँ पर मैंने रेड और येलो कलर की एक ये प्लीट्स वाली जो है लेस ले रखी है, और इसको हम ढक्कन पर इस तरीके से लगा देंगे। और नीचे वाले हिस्से पर आप किसी भी तरीके की लेस लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास थोड़ी सी डायमंड से लुक की एक लेस थी, तो वो मैं यहाँ पर लगा रही हूँ। आप चाहें तो इसको पूरा का पूरा लेस से भी कवर कर सकते हैं अगर आप कपड़ा नहीं लगाना चाहते हैं तो, लेकिन उसमें फिर आपको बहुत सारी ग्लू गन की यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए अब ऊपर वाले हिस्से पर हमारा थोड़ा सा अनफिनिश लग रहा है, तो वहाँ पर हम एक बारीक सी लेस इस तरीके से लगा देंगे। ये बहुत ही सुंदर सी एक कंगूरे वाली लेस है, और इस ये हमारा लग गया। और इसके अलावा हमें नीचे और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ऊपर हमारा थोड़ा खाली खाली लग रहा है, तो उसके लिए यहाँ पर मैं लगा रही हूँ एक पैच। आप यहाँ पर चाहें तो फ्लावर्स भी लगा सकते हैं। और ये देखिए हमारी डेकोरेटिव डब्बी जो है वो एकदम रेडी हो गई है। अब आप इसमें लड्डू रख कर दीजिए, पेड़े रख कर दीजिए, या फिर टॉफ़ी चॉकलेट्स भी भर कर आप इसमें दे सकते हैं। तो कैसे लगे आपको ये चारों आइडिया आज के, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो? अच्छी लगी तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि शादियों का सीज़न जो है वो बस आने ही वाला है, तो क्या पता ये किसी के बहुत काम आ जाए। और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। अरे हाँ, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हल्दी और मेहंदी और शादी से रिलेटेड बहुत सारी छोटी छोटी वीडियोस मैं अपने इंस्टाग्राम के अकाउंट पर डाल रही हूँ। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, उसको फॉलो कर लीजिए और वो सारे के सारे जो वीडियोस हैं ना आप शेयर कर लीजिए, क्योंकि वो आपके बहुत काम आने वाले हैं। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।